अगर आप नॉन आईटी से आईटी फील्ड में आना चाहते हैं और एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो एक 100% गारंटीड प्लेसमेंट के स्टेप्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम की विदाउट एनी कोडिंग एंड विदाउट एनी एक्सपीरियंस। स्टार्ट करने से पहले अपनी छोटी सी स्टोरी आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं खुद भी एक MBA फाइनेंस हूं, मतलब एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मुझे याद है जब मैंने MBA किया, 2 साल अपने स्पेंड किए MBA के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, बट MBA के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई प्लेसमेंट रिलेटेड कि मुझे उस चीज़ का बहुत खासा दुख होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस होते हैं जहां से मैंने MBA किया, उसके बाद प्लेसमेंट कुछ खास नहीं मिलती। चाहे मैंने फाइनेंस में MBA किया या कोई मार्केटिंग में करता है, कोई HR में करता है, कोई IT में करता है, लेकिन फिर भी जो कंपनीज वहां पर आती हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल की जॉब प्रोवाइड करती हैं और मेजॉरिटी सिर्फ सेल्स या मार्केटिंग के अंदर, और सैलरी सिर्फ 15 से 20 हज़ार हार्डली अगर जॉब मिलती है तो। ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है किसी के लिए भी जो लाखों रुपये खर्च करता है MBA के अंदर और उसको लगता है कि यार काश मेरा करियर बन जाएगा। ये बहुत डिसहार्टनिंग है। इसमें देखिए कंपनी से गलती नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि हम एजुकेशन तो ले लेते हैं बट स्किल हमारे पास नहीं होता। मार्केट में जो डिमांड है वो एजुकेशन और स्किल दोनों की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन तो मिलती है बट स्किल नहीं मिलता, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद उठानी पड़ेगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक अच्छा स्किल डेवलप करिए ताकि आपको करियर आगे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। चलिए अब बात करते हैं हम अपने वीडियो की। अब इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, 3 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसके थ्रू आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में आ पाएंगे, एक डेटा एनालिस्ट बन पाएंगे, सैलरी अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर पाएंगे, एटलीस्ट 6 लाख पर एनम की विदाउट कोडिंग, विदाउट एक्सपीरियंस। तो हो सकता है अगर आप एक डेड एंड जॉब में फंसे हुए हैं, जॉबलेस हैं, फ्रेशर हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी। अब वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जॉब एग्जैक्टली आपको कौन से पोर्टल पे सर्च करनी है, सबसे वैलिड पोर्टल क्या है, नंबर 1। सेकेंड मैं आपको बताऊंगा कि जॉब के लिए सर्च और अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि देर आर सम डूज एंड डोंट्स जो कि आपको माइंड में रखने हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हुए। एंड थर्ड थिंग, जब आप बात करते हैं इंटरव्यू की तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें और क्रैक कैसे करें, 3 चीज़ें बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ। एक ब्रीफ बैकग्राउंड लेकिन उससे पहले ले लेते हैं हम डेटा एनालिस्ट का। हो सकता है आपको डेटा एनालिस्ट रोल के बारे में कुछ ना पता हो, तो ये पार्ट आपके लिए है। अब डेटा एनालिस्ट क्या करता है? कंपनी में डेटा एनालिस्ट को डेटा दिया जाता है ताकि उस डेटा को वो एनालाइज करे और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाले जिसके थ्रू कंपनी आगे ग्रो कर पाए। आपने कभी रियलाइज किया है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके जो हेड ऑफिसर्स होते हैं हमेशा कहीं और होते हैं और ऑपरेशनल या सेल्स ऑफिसर्स हमेशा कहीं और होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेड ऑफिसर्स में ना तो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ना तो कोई सर्विस बेचते हैं, तो वो ऑफिस खोला क्यों है और क्यों ओनर्स या फाउंडर्स जो उस कंपनी के होते हैं वहां बैठते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट वे ऑफ बिजनेस, डूइंग अ बिजनेस इज डू नॉट वर्क इन द बिजनेस बट ऑन द बिजनेस। तो इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस में घुस के काम मत करो, बिजनेस के ऊपर काम करो, बिजनेस को एज अ प्रोडक्ट लेके काम करो। ये अच्छे जो बिजनेस होते हैं उनके ओनर्स को पता होता है, इसीलिए उनके हेड ऑफिसेस कहीं और होते हैं और वहां से बैठ के वो कंपनी के ऊपर, मतलब बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। बिजनेस के ऊपर काम करने का मतलब बिजनेस से रिलेटेड सेल्स कैसे होगी वो नहीं, वो बात करते हैं कि डेटा के बेस पे हमें फाइंड आउट हो पाए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, और ये काम करता है डेटा एनालिस्ट। वो डेटा को एनालाइज करके बताता है। डेटा कहाँ से आता है? जो उनके ऑपरेशनल या सेल्स ऑफिसर्स होते हैं वहाँ से आता है। तो वो देख के बताता है कि यार देखो क्या हम सही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या हम सही सर्विस बेच रहे हैं और क्या हम सही कस्टमर को बेच रहे हैं। कस्टमर का प्रेफर्ड एज ग्रुप क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें बताती हैं, डिफाइन करती हैं एक कस्टमर को, कस्टमर पर्सोना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक डेटा एनालिस्ट बता पाता है जिसके बेस पे कंपनी आगे ग्रो करती है या कुछ पोटेंशियल जो लॉसेस हो सकते हैं उनसे बच सकती है। ये जॉब रोल होता है डेटा एनालिस्ट का।
अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनते हैं तो आपको ये भी समझना है कि ठीक है, उसके लिए आपको एनालिटिकल माइंडसेट होना जरूरी है, पर साथ ही साथ आपको एक ऐसे टूल की नॉलेज भी होना जरूरी है जिसके थ्रू आप डेटा का एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि डेटा होता है ज्यादा, ये आप कॉपी पेन पे नहीं कर सकते और एक्सेल के अंदर भी नहीं कर सकते। जो बहुत माइक्रो लेवल की कंपनीज होती है वहाँ एक्सेल यूज होता है डेटा एनालिसिस के लिए, बट उससे ऊपर की जितनी भी कंपनीज होती हैं, मतलब 90% कंपनीज, वहां पर एक्सेल डेटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं होता। वहां यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल पॉपुलर है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई पॉपुलर है डेटा एनालिसिस के लिए। बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और इसका जो लर्निंग पाथ है वो बहुत छोटा है। आप सिर्फ 1 से 2 महीने में पावर बीआई लर्न कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो दिन में 1 घंटा देके पावर बीआई इजीली लर्न कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं इस तरह के रॉ डेटा के बेस पे आप इस तरह के अमेजिंग डैशबोर्ड बना सकते हैं जो कि आप प्रेजेंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, जिसके बेस पे कंपनी लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये है डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल एंड द रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ पावर बीआई इन द जॉब ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। यहां तक वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरह की नॉलेज पसंद आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं कि करियर पाथ डेटा एनालिस्ट का क्या होता है। देखिए 5 लेवल्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, डिपेंडिंग की कॉमन लेवल्स हैं, इससे आगे भी होते हैं कुछ और लेवल्स, बट 5 मैं आपको कॉमन बताना चाहूंगा। एंट्री लेवल जो होता है वो डेटा एनालिस्ट का लेवल होता है, जिसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 से 8 लाख रुपए पर एनम मिनिमम सैलरी। यहीं अगर आप 2-3 साल कंपनी में स्पेंड करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, साथ में कुछ और भी टूल्स लर्न करते हैं, तो आप सीनियर डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे पहुंचते हैं, जहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं 9 से 14 लाख रुपए पर एनम की। ऐसे ही थोड़ा और लर्निंग अपनी करते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो वो होता है डेटा एनालिस्ट लेवल 3। वहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 से लेके 22 लाख रुपए की पर एनम। ऑलराइट, उसके बाद जो लेवल आता है वो होता है प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट का, जहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22 से लेकर 37 लाख रुपए पर एनम। और उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है डायरेक्टर ऑफ डेटा, जिसके अंदर आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू 50 लाख पर एनम, जिसमें टीम हैंडलिंग होती है और भी बहुत सारे इन डेप्थ एनालिसिस होते हैं, साथ में और टूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। बट इसमें ग्रोथ अमेजिंग है, मल्टी फोल्ड ग्रोथ है। इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर towards learning, मतलब you should love to learn, ये बहुत important है इसमें grow करने के लिए। तो learning को love करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। alright, चलिए अब ये आपको career path पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ आपको 3 चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले बतानी थी, 3 चीज़ें। सबसे पहला कि आपको ये job कहाँ पर search करनी है data analyst की, तो जो सबसे amazing platform है, सबसे legit platform जो है वो है LinkedIn platform। अगर आपका वहां पे प्रोफाइल नहीं है तो जाओ उसको, प्रोफाइल को अभी बनाओ। नेक्स्ट स्टेप है कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो चलते हैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर और समझते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे आकर आप सिंपली यहाँ पे देखते हैं जॉब्स का एक सेक्शन, एक ब्रीफ केस का आइकन बना हुआ है, आप क्लिक करिए जॉब्स के ऊपर। अब हम सिंपली सर्च करेंगे जो स्किल के बेस पे आपको सर्च करना है। तो डेटा एनालिस्ट के लिए पावर बीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिंपली हम सर्च करेंगे पावर बीआई। ऑलराइट, अब पावर बीआई में आप देख रहे हैं 5000 जॉब्स अवेलेबल हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल। यहां पर हमें समझने वाली बात है, हम सिंपली जाएंगे एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर और मैं यहां पे चूज कर रहा हूं एंट्री लेवल, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप इसमें नए हैं तो मैं एंट्री लेवल की बात करता हूं। तो यहां पर भी ऑलमोस्ट 1000 जॉब्स अवेलेबल हैं पावर बीआई में फ्रेशर्स के लिए, एंट्री लेवल के लिए। ऑलराइट, अब कुछ मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताता हूँ जिसके बेस पे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहली चीज समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फिल्टर समझ में आ गया जॉब्स का। अब हम बात करते हैं कि कहीं भी किसी जॉब के लिए अगर यहाँ पे लिखा है 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप हेजिटेट मत करिए, उस जॉब के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि मेरे बहुत से मेंटीज हैं जिन्होंने ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई किया और अपनी नॉलेज के बेस पे उन्होंने वो इंटरव्यूज क्रैक किए और अच्छा पैकेज उनको मिला। वो सारे इंटरव्यूज मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल के ऊपर डाले हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वीडियोस चेक कर लीजिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ऑलराइट, तो अगर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं डोंट वरी, आप वहां पर जरूर अप्लाई करेंगे अगर वो एंट्री लेवल की जॉब है तो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया।
एक चीज, थर्ड चीज यहाँ पर आपको ये समझनी जरूरी है कि जब आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट का एक ऑप्शन आता है, ऑलमोस्ट हर कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म में वो होता है। तो कोशिश करिए जो आपने लर्निंग पावर बीआई में करी होगी उसके बेस पे जो भी आपने सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, जो डैशबोर्ड्स क्रिएट किए होंगे, वो ट्राई करिए कम से कम एक डैशबोर्ड वहां पर अटैच करिए, और हो सके तो उसके बारे में कुछ मेंशन करिए ताकि रिक्रूटर को दिखे कि आपको पावर बीआई में ऑलरेडी नॉलेज है एंड यू आर द राइट कैंडिडेट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन देयर कंपनी। क्लियर हो गया? तो ये हुआ हमारा हाउ टू अप्लाई के डूज एंड डोंट्स। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है, भरपूर नॉलेज मिल रही है, और अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं इस चैनल के, या आप रेगुलर हैं बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लेट अस ग्रो थ्रू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नीचे आप बटन देख रहे हैं रेड कलर का सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करिए ताकि उससे हमारा चैनल ग्रो हो और हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर एंड क्रैक एन इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कम डिस्कस करी चीज होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास तीन राउंड आते हैं, जनरली तीन राउंड कंडक्ट होते हैं एक डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। पहला होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपकी बेसिक नॉलेज चेक करी जाती है, आपका एजुकेशन लेवल चेक किया जाता है, जिसके अंदर आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आप कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो गूगल पे बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड मटेरियल है, आप वहाँ पर इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड आपका राउंड होता है टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड में ऑब्वियसली आपकी पावर बीआई रिलेटेड नॉलेज चेक करी जाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मेरे मेंटीज ने जब पावर बीआई लर्न किया और इन इंटरव्यूज के लिए गए, तो जनरली मैंने उनको एडवाइस किया था कि आप जितने भी सैंपल रिपोर्ट्स आपने क्रिएट करी है वो जाते ही अपने रिक्रूटर्स को ज़रूर दिखाइएगा, और उन्होंने ऐसा ही किया, और सिर्फ इस छोटे से स्टेप से 50% ऑलरेडी उनकी जॉब कन्फर्म हो जाती है। और जनरली जो रिक्रूटर होता है वो उन्हीं डैशबोर्ड के बेस पे उनसे क्वेश्चन पूछता है और ईजिली वो इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। अगर आपने अच्छे से इस स्किल को डेवलप किया, अच्छे से पावर बीआई का लर्न किया, तो ये राउंड आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और एंट्री लेवल के लिए तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड राउंड अब आता है आपका एचआर राउंड। अब एचआर राउंड में क्या होता है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्किलफुल पर्सन हैं, आप एक स्किलफुल इंसान हैं, आपकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एचआर राउंड तक पहुंचोगे ही तभी जब पहले दो राउंड क्लियर कर चुके होंगे। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी कंपनी के नज़र में आप एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हैं और कंपनी की आपको ज़रूरत है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड चीज़ एचआर राउंड में, एक और चीज़ आपको देखनी है कि इन्हीं सब बेसिस पे आपको सैलरी अच्छे से नेगोशिएट करनी है। ऑलरेडी मैंने आपको रेंज बता दी है, एंट्री लेवल के लिए 4-8 लाख पर एनम का पैकेज आप इजीली ले सकते हैं। ट्राई करिए जितना अपर हैंड पे जा सके, अपर बैंड पे जितना जा सके उतना आप जाइए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, पावर बीआई की, एक डेटा एनालिस्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आपके पास स्किल है तो आप अच्छी खासी सैलरी डिमांड कर सकते हैं। सिर्फ अपनी नॉलेज बहुत ही कंक्रीट लेवल की रखिए इस टूल के ऊपर। क्लियर हुआ? तो ये पूरा रोड मैप का एक पाथ था। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, ये पूरा डेटा एनालिस्ट का रोड मैप बहुत ज़्यादा डिटेल में सैंपल्स के साथ सब चीज़ें बिल्कुल इन डेप्थ, तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूँ 1 घंटे की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। इसके अंदर मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे एक नॉन आईटी पर्सन आईटी में एंटर हो सकता है बिना किसी प्रोग्रामिंग के एंड बिना किसी पास एक्सपीरियंस के एंड नॉलेज के। और ये ज्वाइन करने पे मैं आपको दूंगा अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक ऑन पावर बीआई वर्थ ₹1500 एब्सोल्युटली फ्री फॉर योर टाइम। राइट, सो थैंक यू सो मच। अभी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर जरूर साइन अप करिए, मुझे वहां मिलिए और डिटेल में समझिए एक रोड मैप एक डेटा एनालिस्ट बनने का, जिसमें मिनिमम सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय।